मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने की योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को किराए पर मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। ये सेंटर सभी जिलों में खोले जाएंगे। इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आपको बता दें कि 416 सेंटरों को स्थापित करने के लिए आवेदन बुलाए जा रहे हैं। बैंक ऋण के आधार पर केंद्र स्थापित किए जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी। देश में पहली बार इस योजना का शुभारंभ हो रहा है। देश में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कृषि विभाग कृषि अभियांत्रिकी के माध्यम से हम आज उसका शुभारंभ कर रहे हैं। जिस प्रकार कृषि अभियांत्रिकी विभाग कस्टम हायरिंग केंद्र 2012 में मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुए थे, जो आज पूरे देश में चल रहे हैं, शिक्षित बेरोजगार किसानों के बेटों को रोजगार देने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर जो लगभग अभी 3000 चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो किसानों को खेती करने के लिए उपकरण उपलब्ध कराते हैं सब्सिडी, सस्ता ब्याज पर और सब्सिडी के माध्यम से 40% उसमें अनुदान होता है। इसी प्रकार एक नई योजना हम शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, कस्टम प्रोसेसिंग योजना, जिसमें किसान जो उत्पाद करता है, पैदा करता अनाज, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट वो अब किसान बेरोजगार किसान को हम देंगे, जिसमें 40% की अनुदान भी रहेगा।